कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएमसी बने। आप अगर सीएमसी बनते तो हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट, हमारे इस इलाका, तो हमारी तो तरक्की या डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी। लेकिन ये अल्लाह की रजा थी कि आप उस मनसब पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे लिए अब भी आप, हम चाहते हैं कि सियासत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मनसब पे पहुंचे। हमारा यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। ताकि लोगों को पता, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जनरल फैज हमीद की पहली अवामी रैली में शिरकत। वाजे रहे जनरल फैज हाल ही में फौज से रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान के पसंदीदा जनरल भी रह चुके हैं। बिलाशुबा वो जनरल फैज की बतौर ऐसे कारकर्दगी से खासे प्रमीद थे और अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ होते। खैर, अब वो मुलाजमत से फारिग हो चुके हैं और पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और लोकल कॉर्नर मीटिंग में भी शामिल नजर आते हैं और पीटीए की तरफ से उन्हें बाजाबता तौर पर जमात में शामिल होने की दावत भी दी गई है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। उसका जरा हो जाए और जो आपने, हमने लोगों के साथ वादे किए हैं तो हम आपकी वसाकत से वादे वफा कर सकते। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हमनासर हो। रब्बल इज्जत इससे बढ़कर आप इज्जत करें इंशाल्लाह।